नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपगढ़ ज्योति चैनल, में आपके साथ प्रियंका। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय की स्वीकृति के पश्चात चिन्हित दुकानें खोली जा सकेंगी। नगर परिषद, नगर विकास न्यास एवं नगर पालिका क्षेत्र में दुकानें खोलने की स्वीकृति के लिए दुकानों का चिन्हीकरण किया जाने के पश्चात संबंधित स्थानीय निकाय स्वीकृति देंगे। जिला कलेक्टर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री व उच्च स्तरीय अधिकारियों की वीसी के पश्चात आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन दुकानों का चिन्हीकरण होगा जो उत्पाद का विक्रय करते हैं। सेवा प्रदाता जैसे सलून, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, चाय पकौड़ी, चाय की स्टॉल, फास्ट फूड, जिम इत्यादि नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद, गंगानगर व न्यास क्षेत्र में शामिल गांव भी शहर में माने जाएंगे। एडीएम प्रशासन व आयुक्त नगर परिषद जिन दुकानों को स्वीकृति दी जानी है का चिन्हीकरण करेंगे। एक कतार में बाजार नहीं खुलेंगे। मॉल, मल्टीप्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स व बड़े बाजार नहीं खुलेंगे। आवश्यकता के अनुरूप चिन्हीकरण वाली अकेली दुकान, नुक्कड़ की दुकान इत्यादि स्वीकृति के बाद खुल सकेंगे। विद्युत का सामान, मोबाइल रिचार्ज की दुकान भी मंजूरी से खुल सकेगी। विद्यार्थियों को पुस्तकें इत्यादि की पूर्ति की व्यवस्था होम डिलीवरी के माध्यम से करवाई जाएगी। तैयार भोजन भी होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित दुकानें खुल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। वस्तुएं विक्रय वाली दुकान खुलेगी, लेकिन सेवा देने वाली दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर इत्यादि नहीं खुलेंगे। श्री नकाते ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य संचालित होंगे। शहरी क्षेत्र में सीमित स्थानों पर जहां श्रमिकों की उपलब्धता है के अनुसार कार्य होंगे। माल सामग्री परिवहन करने वाले वाहनों को अनुमति रहेगी, जिसमें बजरी ग्रीट के वाहन भी आ सकेंगे। बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग होगी। राज्य व केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अंतर्राज्य श्रमिकों को अपने अपने राज्य में जाने दिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में अन्य राज्यों या अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो नागरिक बाहर से आएगा उन्हें 14 दिन तक अपने घर में होम क्वारंटाइन में रहना होगा। गांव वालों व पड़ोसियों को ऐसे नागरिकों पर नजर रखनी है कि वे होम क्वारंटाइन का उल्लंघन न करें। ऐसा करने पर तत्काल सूचना दें। बाहर से आए ऐसे नागरिक गांव व मोहल्ला के लिए खतरा बन सकते हैं। जिला कलेक्टर ने जिले की सीमाओं से लगने वाले एसडीएम व पुलिस अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक अब कच्चे रास्तों से या छुपकर न आए। सीमाओं पर चेक पोस्ट व पर प्रविष्टि एवं स्क्रीनिंग के बाद घर भेजे जाएंगे। बिना जरूरत की दुकान खुलने पर बंद करवा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत शर्मा ने कहा कि जिन दुकानों को खोलने की स्वीकृति दी जाएगी उनमें से कोई दुकान की उपयोगिता नजर नहीं आती है तो एसडीएम के माध्यम से संबंधित दुकान को बंद करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना करवानी होगी। पालना नहीं करने पर दुकान सील कर दी जाएगी। बीसी में एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी, एडीएम सतर्कता श्री अरविंद जाखड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मोहम्मद जुनैद, न्याय सचिव डॉक्टर हरितिमा, एसडीएम श्री उमेद सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल, आरसीएचओ डॉक्टर एचएस बराड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।